स्वागत है। आइए ले चलते हैं खबर 7C के सुपर फास्ट खबरों की ओर। ड्रग्स केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पटना में रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर उठ रहे ये पांच सवाल पुलिस के हाथ खाली। इंदौर में सेक्स रैकेट का भांडापोर, होटल मैनेजर समेत 12 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में ठेकेदार की हत्या में सनसनीखेज खुलासा, 10वीं के दो छात्रों ने कार के लूट मकसद से मारी थी गोली। एमपी में मुरैना जहरीली शराब कांड पर सीएम शिवराज चौहान ने बुलाई हाई लेवल बैठक। कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार, आज मुरगेश निरानी, उमेश कट्टी समेत 7 मंत्री लेंगे शपथ। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में बुक भेड़ मारा गया, 5 लाख का इनामी नक्सली पिस्टल बरामद। एफबीआई ने कैपिटल हिंसा जांच में 160 केस फाइल खोली, 1 लाख वीडियो और फोटोज की जांच। यूपी के मऊ में पूर्व प्रधान के भतीजे की गोली मारकर हत्या, नाराज गाँव वाले ने पुलिस पर किया हमला। शरद पवार से मिले एक्टर सोनू सूद, कुछ दिन पहले बीएमसी ने अवैध निर्माण पर भेजा था नोटिस। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या की इनसाइड स्टोरी, बदमाशों ने सीने में दाग दी 6 गोलियां। छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर 5 लड़कों ने किया ब्लैकमेल, गैंगरेप के बाद क्लिप भी की वायरल। मुरैना में सिराज का बड़ा एक्शन, डीएमएसपी हटाए गए, अब तक 20 लोगों की हुई मौत। यूपी में शादी का झांसा देकर बॉयफ्रेंड ने किया रेप, फिर अश्लील वीडियो बनाकर दोस्तों को बांटा। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन से अब तक 102 लोग संक्रमित। 17 जनवरी को होने वाला पोलियो टीकाकरण दिवस टला स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला। आज भंडारा जाएंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल, अस्पताल में 60 सकीर से हुई थी 10 बच्चों की मौत। अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाले हर व्यक्ति को कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। छत्तीसगढ़ के ओरछा में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट, सीएफए के 2 जवान घायल, रायपुर रेफर। यूपी के विधान परिषद के लिए सपा ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को किया प्रत्याशी घोषित।